हेलो एवरीवन आकार आई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो जो आने वाला यूपी पी का प्रिलिम्स एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज में हम लोग यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है फैक्ट्स हैं और जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे और जितनी भी चीज़ें जो हम देखेंगे उनको जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन के पर्पज से देखेंगे और वो वाले टॉपिक्स को हम देखेंगे जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जिससे ज़्यादा सबसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं एम में उन चीज़ों को देखेंगे और जो पर्टिकुलर हमारे काम की चीज़ें होंगी उसे मैं हाईलाइट करूँगा सो अच्छा रहेगा कि आप पेन पेपर लेके बैठें इस वीडियो को देखते हुए तो ये वीडियो है उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी स्पेशल आज कौन सा हम लोग टॉपिक देखेंगे पॉलिटिका मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड आगे देखना है तो आज हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में और स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल होता है किसी भी आ, हमारे किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पॉलिटी के स्ट्रक्चर में वो होता है गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो गवर्नर होता है वो चीफ ऑफिसर होता है उसके नीचे ही सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं तो हम लोग आज गवर्नर के बारे में उसके बारे में जितनी भी चीजें हो सकती हैं फैक्ट्स हो सकते हैं वो देखते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल्स 153 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अक्सर आपको दूसरी साइड द फॉलोइंग में किस सब्जेक्ट मैटर से वो आर्टिकल्स रिलेट होते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो आपका पार्ट सिक्स में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के और कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल 153 एंड आर्टिकल 167. स्टेट एग्जीक्यूटिव तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है पहले तो गवर्नर आता है उसके बाद चीफ मिनिस्टर आता है उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं एंड उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आता है दस देर इज नो ऑफिस ऑफ द वाइस गवर्नर इन द लाइक दैट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एट सेंटर फैक्ट ध्यान में रखने वाला है क्योंकि सेंटर में प्रेसिडेंट जो टॉप मोस्ट यूनियन का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसके नीचे आता है एक वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है लेकिन स्टेट पॉलिटी में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है तो यह आप ध्यान में रखिएगा द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड मतलब एक सिंबॉलिक हेड एक नाम के लिए जिसको हमने हेड क्रिएट कर रखा है लेकिन उसके पास सारी पावर्स नहीं होती हैं। जो हेड होता भी है वो किसी की एड और एडवाइस और रिकमेंडेशन के हिसाब से काम करता है ही इज द टाइटर और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड द गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है जो कि गवर्नर को अपॉइंट करती है और ध्यान में रखिएगा गवर्नर जो है अपॉइंटेड होता है इलेक्टेड नहीं होता है अक्सर ऐसे सवाल होते हैं कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज इलेक्टेड या फिर ऑफिसर ऑफ गवर्नर इज अपॉइंटेड तो ऐसे आपको करेक्ट स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ना होता है देर फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर हैजूअल रोल डुअल रोल कैसे एक तो एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट जो गवर्नमेंट होती है एज अ हेड उसके एज अ हेड इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट बट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट तो पहले क्या होता था एक स्टेट के लिए एक ही गवर्नर हो सकता था लेकिन जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है 1956 में उसके हिसाब से अगर एक गवर्नर जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स को भी अपने अंडर में गवर्न कर सकता है ये ध्यान में रखिएगा अक्सर इस तरीके से सवाल आएगा कि गवर्नर कैन गवर्न ओनली वन स्टेट या फिर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ओनली वन स्टेट तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स या फिर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को आएगा तो अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर तो ध्यान रखिए ये दोनों चीजें अक्सर एग्जाम के क्वेश्चन में यूज होती हैं कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दे देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि अपॉइंटेड है या इलेक्टेड दोनों में फर्क होता है अपॉइंटेड वो होता है जो कि कोई हायर अथॉरिटी डायरेक्टली उसे ऑफिस ऑफिस में पोस्ट कर देती है या फिर ऑफिस में तैनात कर देती है लेकिन इलेक्टेड वो होता है जहां कि लोग चूज करके उस पर्सन को उस ऑफिस में ऑफिस uh, में तैनात करते हैं तो अपॉइंटेड और इलेक्टेड में फर्क होता है गवर्नर जो है वो अपॉइंटेड ऑफिसर होता है ही इज अपॉइंटेड बाय द कौन करता है बाय प्रेसिडेंट बाय वॉरंट अंडर हिज हैंड एंड सील बाय वॉरंट अंडर हिज हैंड एंड सील मतलब डायरेक्टली प्रेसिडेंट करता है और डायरेक्टली खुद साइन करके करता है तो अक्सर आपको इस तरीके के सवाल आएंगे एग्जाम में कि Uh, आपको चार पांच आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन और या हेड्स का लिस्ट दे दिया जाएगा जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया आपका गवर्नर हो गया या मिनिस्टर हो गया आपको नीचे पूछा जाएगा कौन से ऑफिसेस जो होते हैं दैट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वॉरंट अंडर इज हैंड एंड सील क्योंकि सारे वॉरंट अंडर इज हैंड एंड सील के हिसाब से नहीं होते ही इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव uh, हेड होता है टॉप मोस्ट कंट्री में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो अगर अपना कोई एजेंट जो है अगर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट uh, का हेड चूज कर के तरीके से लगाता है तो जो स्टेट का जो हेड होगा वो कहीं ना कहीं ऊपर प्रेसिडेंट से कनेक्टेड होगा वो एक लिंक होगा तो वो एक नॉमिनी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट uh, का ही इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस याद रखिएगा एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल और फॉर और सबोर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ गवर्नर जो है नॉमिनी जरूर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गवर्नर डिपेंडेंट रहेगा सेंटर पे गवर्नर जो है अपने निर्णय अपने विवेक के हिसाब से खुद ले सकता है जरूरी नहीं कि हर बार प्रेसिडेंट उसे बताए कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन ओनली टू क्वालिफिकेशन ये ध्यान में रखिएगा काफी सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या क्वालिफिकेशन कहती है गवर्नर के लिए वो मात्र दो हैं। एक तो वो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और उसकी एज 35 फाइव ईयर्स होनी चाहिए ही शुड बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 फाइव ईयर्स उसके बाद कंडीशंस क्या होती हैं गवर्नर के ऑफिस की क्या क्या सर्विस कंडीशंस होती हैं गवर्नर की ये ध्यान से देखिएगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कहता है ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ 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 आइदर हाउस हाउस पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इफ एनी सच पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हे सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स ऑफिस एज अ गवर्नर तो कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नर के तौर पे अगर चुना जाता है अपॉइंट किया जाता है तो अगर वो पहले से किसी पार्लियामेंट या फिर विधानसभा का एमएलए हो तो तुरंत उसे वो अपनी पुरानी पोस्ट छोड़नी पड़ती है और गवर्नर का पोस्ट उसे टेकअप करना होता है और अगर नहीं करता है अगर इन्फॉर्म नहीं करता है या फिर वेकेट शुड नॉट बी मेंबर अगर वेकेट जो है नहीं करता है तो फिर उसका उसे आगे चल के फिर इशूज आते हैं ठीक है, एनी सच पर्सन ये आपके ही शुड नॉट बी member ऑफ either हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट legislature, ये जो है कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी आते हैं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए गवर्नर का और चीज ध्यान में रखिएगा कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं कहीं उसकी डेफिनेशन मेंशन नहीं है हाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कई जगहों पे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन पे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लेकिन ये नहीं बताता है कि होता क्या है तो ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन के ऊपर होता ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ इज ऑफिशियल रेजिडेंस इन राजभवन तो गवर्नर को राजभवन मिलता है बिना किसी रेंट के ही इज इंटाइटल टू सच इमोल्यूमेंट अलाउंसेज एंड प्रिवलेजेस एज डिटर पार्लियामेंट तो ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली गवर्नर के ऑफिस की जितनी भी सैलरी होती है अलाउंसेस होती हैं या फिर आपकी उनकी प्रिवलेजेस होती हैं, वो कौन डिसाइड करता है वो पार्लियामेंट करता है सांसद करता है लोकसभा राज्यसभा करता है अक्सर आपको यही सवाल पूछ लेंगे और यहां पे लिखा होगा प्रेसिडेंट तो वो स्टेटमेंट गलत होगा कौन डिसाइड करता है पार्लियामेंट करता है व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट द मोल्यूमेंट एंड अलाउंसेज पेबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट तो देखिए यहां पर प्रेसिडेंट आ गया अब ऐसा होता है अगर कोई भी गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट को सर्व कर रहा है तो उसकी जो अलाउंसेज़ और सैलरी है कुछ पर्टिकुलर शेयर के हिसाब से डिवाइड होगी मान लीजिए गवर्नर है वो स्टेट ए का भी गवर्नर है और स्टेट बी का भी गवर्नर है एंड मान लीजिए इसके अलाउंस है हंड्रेड या सैलरी है हंड्रेड तो कौन सा स्टेट जो है कितना प्रपोर्शन कितना भाग उस सैलरी का पे करेगा गवर्नर को या किस स्टेट पे कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा गवर्नर का ये डिसाइड कौन करेगा ये डिसाइड करेगा आपका प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा और ध्यान में रखिएगा यहां पे प्रेसिडेंट आता है यहां पे पार्लियामेंट नहीं आता है जब एक स्टेट के लिए होता है तब आता है आपका पार्लियामेंट जब एक से ज्यादा स्टेट के लिए आता है तो किस मात्रा में शेयर डिसाइड होगा प्रपोर्शन डिसाइड होगा उसके अलाउंसेस का वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट तो गवर्नर के ऑफिस के बाकी टर्म्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हम वो देखते हैं हिज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउेंसेज के नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस जितने भी जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि गवर्नर की ये सैलरी और अलाउवेंसेज होने चाहिए वो किसी भी गवर्नर के टेन्योर के दौरान टर्म के दौरान हटाए नहीं जा सकते वो इसलिए किया जाता है ताकि उसकी इंडिपेंडेंट बन इंडिपेंडेंस बनी रहे लाइक द प्रेसिडेंट द गवर्नर इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ प्रिवेलेज एंड इम्यूनिटीज ही इंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी ऑफ इज ऑफिशियल एक्ट उसको कुछ प्रिवलेजेस दी गई हैं बाकी सिटीजन के मुकाबले ज्यादा कुछ प्रिवलेजेस दी गई हैं, स्पेशली विद टू हिज लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट तो क्या क्या लीगल लाइबिलिटीज होती हैं दो तरीके की होती हैं सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं जो गवर्नर होता है अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करे जिस जिसमें उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू हो जाए या कोई क्रिमिनल केस लग जाए तो उससे गवर्नर को कंप्लीट इम्यूनिटी दी जाती है कोई भी गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकता इम्यूनिटी uh, uh, दी गई है वो भी उसके पर्सनल एक्ट्स में भी ऑफिशियल एक्ट्स और पर्सनल एक्ट दोनों में क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं uh, आगे बढ़ाया जा सकता गवर्नर uh, को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और इम्प्रिजन और जेल में भी नहीं डाला जा सकता लेकिन जो सिविल नेचर के केसेस होते हैं गवर्नर के के अगेंस्ट, उनको आगे भले ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मंथ का नोटिस देने बाद। नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट टू हिज पर्सनल एक्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस गवर्नर ओथ And oath of affirmation. उसके बाद और टर्म देखते हैं गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर इंड्रॉम दिखर्सिडेंट जो इसका टर्म होता है गवर्नर का वो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर को रख सकता है जितने लंबे समय तक चाहे गवर्नर को रख सकते हैं और प्रेसिडेंट का जब मन करे गवर्नर को हटा सकता है ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ये जितने भी फैक्ट्स हैं आप ध्यान में रखिएगा एग्जाम में इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे भी जाते हैं तो जब भी गवर्नर को रिजाइन करना होता है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर उस अथॉरिटी को देता है जिसने उसे अपॉइंट किया होता है ऐसा हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में होता है तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करता है तो जब वही ऑफिस छोड़ के जाना होगा तो वो लेटर किसे पकड़ाया जाएगा प्रेसिडेंट को पकड़ाया जाएगा गवर्नर हैज नो नो सिक्योरिटी ऑफ ऑफ टेन्योर एंड टर्म ऑफिस ही मे बी बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम तो जनरली एक कन्वेंशन है कि गवर्नर का टर्म पांच साल का है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं करता है और उसको टेन्योर की कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती है बस ये शब्द मेजर होता प्रेजेंट होता है क्या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट नॉट ले ले डाउन डाउन एनी एनी अपॉन गवर्नर मे बी रिमूव फॉर रिमूवल ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनादर तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं करता है क्वालिफिकेशंस में कुछ ही डिटेल मेंशन करते हैं जो कि और उसके टर्म और टेन्योर के बारे में सिर्फ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के का ले करते हैं रेजिग्नेशन किसको देना होता है प्रेसिडेंट को और किस बेसिस पे प्रेसिडेंट अगर चाहे तो हटा सकता है गवर्नर को इसके भी बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में और अगर गवर्नर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना होता है तो कौन करता है प्रेसिडेंट गवर्नर हुज एक्सपायर्ड मे बी रीअपॉइंटेड इन द सेम स्टेट और एनी अदर स्टेट और गवर्नर का जो ऑफिस है वो रीअपॉइंट हो सकता है एक स्टेट में एक टर्म खत्म करने के बाद वो गवर्नर फिर से अगले साल सर्व कर सकता है कैन होल्डिस चार्ज कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड टर्म्स ऑफ फाइव ईयर ये इंपॉर्टेंट है जनरली गवर्नर का जो टर्म होता है पांच साल का होता है लेकिन पांच साल से ज्यादा भी गवर्नर जो है सर्व कर सकता है जब तक जब तक दूसरा गवर्नर उसकी जगह पे आके ना ले तो अक्सर क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर कैन सर्व द पीरियड ऑफ फाइव इयर्स ओनली या फिर गवर्नर कैन नॉट सर्व अ पीरियड ऑफ मोर देन फाइव इयर्स तो दोनों स्टेटमेंट उस सिचुएशन में गलत होंगे अब देखते हैं गवर्नर की क्या क्या मेजर पावर्स होती हैं पावर्स अलग अलग तरीके की होती हैं एग्जीक्यूटिव पावर होती है लेजिस्लेटिव पावर होती है जुडिशियल पावर होती है और भी इनके अलावा पावर्स होती हैं तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखते हैं ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट फॉर्मली टेकन इन हिज नेम कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है वो किसके नाम के अंडर जारी करती है गवर्नर के नाम के अंडर ही कैन मेक रूल्स टू स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट एंड एग्जीक्यूटिव शैल बी मेड शैल बी ऑथेंटिकेटेड तो जितना भी एग्जीक्यूटिव का काम है गवर्नर जो है वो उसके रूल्स बना सकता है वो बता सकता है कौन सा काम कैसे होना चाहिए ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर गवर्नर ही जो होता है जो कि चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट डिटरमाइंस हिज रेमुनरेशन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर तो चीफ मिनिस्टर हो गए मिनिस्टर्स हो गए उसके अलावा एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट जो होता है जो कि लीगल मैटर्स में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसको भी अपॉइंट करता है और गवर्नर उसकी सैलरी भी डिसाइड करता है और एडवोकेट जनरल का भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं है एडवोकेट जनरल जो है प्लेजर ऑफ द गवर्नर के हिसाब से सर्व करता है जब तक गवर्नर का मन करा तब तक एडवोकेट जनरल को अपने पोस्ट पे रखेगा तो और किसको अपॉइंट करता है गवर्नर गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसके कंडीशंस ऑफ सर्विस को भी डिटरमाइन करता है और उसके ऑफ ऑफिस of को भी डिटरमाइन करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव ओनली इन द मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है हाँ गवर्नर अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है आपका चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर हो हो गया, हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है लेकिन उन सब में से सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जिसको अपॉइंट गवर्नर करता है लेकिन रिमूव उसे प्रेसिडेंट करता है और रिमूव किस प्रोसीजर से होता है उसी प्रोसीजर से जिससे एक कोर्ट का जज रिमूव होता है ये इसीलिए ताकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस बनी रहे और उसके बाद और किस किस को अपॉइंट करता है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया हाउ एवर दे कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर तो इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी गवर्नर अम, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और ऑफिसर्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन

किसको करता है प्रेसिडेंट को करता है ध्यान में रखिएगा पार्लियामेंट को नहीं ड्यूरिंग द पीरियड और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है आर्टिकल थ्री फिफ्टी के अंडर आता है इंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट द गवर्नर एंजॉय एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है he acts as the chancellor of the universities in the state and appoints the vice chancellors of the universities to jitni bhi state universities hoti hain unke un sab ka chancellor jo hota hai governor hota hai aur un sab ke vice chancellor ko kaun appoint karta hai governor uske baad dekhte hain legislative powers kya hote hain governor ke उसके लेजिस्लेटिव पावर्स होती है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे जो कि विधानसभा है उसको समन कर सकता है प्रोरोक कर सकता है एंड डिजोल्व कर सकता है समन मतलब अलग अलग जो सेशंस होते हैं आपका समर सेशन होता है विंटर सेशन मॉनसून सेशन होता है विंटर सेशन होता है तो उन सेशंस को शुरू करने के लिए उनको कॉल देने के लिए कि हां इस तारीख से ये सेशन स्टार्ट है सारे ही एमएलए को बुलाया जाता है कि वो ये सेशन आके अटेंड करें ये नोटिस कौन जारी करता है समन समन का इसे समन कहते हैं ये करता है 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 गवर्नर जो जो होता है, जब कोई भी सिटिंग होती खत्म होती है तब होता है और डिजॉल्व होता है जब कॉन्फिडेंस जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खत्म हो जाती है

लेजिस्लेचर और अदरवाइज ठीक है ही कैन अपॉइंट एनी में स्टेट ओवर इट्स ऑफ बोथ स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर फॉर वेकेंड तो अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर जो है उसकी पोजिशन हो जाती है खाली लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को फिर भी आगे बढ़ाया जाना पड़ता है उस केस में कौन करेगा कौन प्रिसाइड करेगा इसका डिसीजन करता है गवर्नर और गवर्नर जिसको चाहे उसे अपॉइंट कर सकता है ही नॉमिनेट्स ऑफ 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 द द द मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम अमंग्स पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस तो इसके अलावा जैसे आपका प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है मेंबर्स uh, को राज्यसभा में वैसे ही गवर्नर जो है अलग अलग फील्ड के लोग वो, को लेजिस्लेटिव काउंसिल में करता है जैसे आप इस तरीके से याद रखिए ये वाला जो वर्ड है सी एल ए एस एस गवर्नर जो है इन बेसिस पे करता है कोऑपरेटिव मूवमेंट लिटरेचर आर्ट्स साइंस सोशल सर्विस ये होता है आपका गवर्नर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट होता है जो कि राज्यसभा में अपॉइंट करता है किस बेसिस पे करता है आप यहां पे बस सी हटा दीजिए एल ए एस एस लिटरेचर आर्ट्स साइंस एंड सोशल सोशल सर्विस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अक्सर कि कोऑपरेटिव में जो कोऑपरेटिव एस्पेक्ट है इलेक्शन कमिश्नर तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डिस्कालीफिकेशन के बारे में बताता है किन बेसिस पे डिस्कालिफिकेशन होगा उनको डिस्वालिफिकेशन के क्वेश्चन को कौन देखता है गवर्नर करता है देखता है डिस्कालीफाई करता है और किसके रिकमेंडेशन या कंसल्ट करके करता है इलेक्शन कमीशन के वेन अ बिल इज सेंट टू द गवर्नर आफ्टर इट इज पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर ही कैन गिव इज असेंट विद होल्ड इज असेंट रिटर्न द बिल और फॉर रिक्रेजेंट कंसिडर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे ये गवर्नर uh, का वीटो पावर के अंडर आता है However, if the bill is passed again by the state legislature or without the amendment, governor has to give his assent to the bill, reserve the bill for the consideration of the president. तो so, जैसा हमने कोई किसी bill के procedure में जानते हैं president के bill के procedure में कि bill pass होता है जब president के pass आता है तो क्या-क्या options -क्या होते हैं? President जो है assent दे सकता है, assent को नहीं दे सकता है, withhold कर सकता है। या फिर वापस भेज सकता है हाउसेज uh, में रिकन्सिडरेशन के लिए अमेंडमेंट्स के लिए सजेस्ट कर सकता है अमेंडमेंट्स और या फिर ही कैन सिट ऑन द बिल बिल को बस uh, रख सकता है उसे साइन ना ही करे काफी लंबे समय तक ये ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास ऐसा होता है जब वो रिकंसीडरेशन के लिए भेजता है किसी भी बिल को तो हाउस उसे रिसीव करता है हाउस उसे वापस गवर्नर के पास भेज सकता है बिल में अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट करके तब गवर्नर को या तो असेंट देना होता है या तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देना होता है बिल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अक्सर इस पे सवाल बनते हैं ध्यान में रखिएगा और अक्सर क्या करता है गवर्नर के पास एक एडिशनल पावर होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं होती गवर्नर चाहे कुछ मैटर्स में प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है वो कौन कौन से मैटर्स हैं अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल जो कि हमारे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो उसको प्रेसिडेंट के लिए र, 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 रिजर्व कर सकता है अगर कोई भी ऐसा बिल जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विरुद्ध हो उसमें कर सकता है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए कर सकता है अगर ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस हो उसके पे करता है, 31 ये आप ध्यान रखिएगा क्या है एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो अगर कोई भी आर्टिकल थर्टी वन से रिलेटेड मैटर होता है तो वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट पे के लिए रिजर्व कर सकता है और उसके बाद होता है ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस वेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन दीज ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव स्टेट लेजिस्लेचर विद इन विद इन सिक्स वीक्स ये भी हम अभी आगे देखेंगे पॉइंट ही लेज द रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द स्टेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटर तो जैसे प्रेसिडेंट जो है कुछ-कुछ तरीके की रिपोर्ट्स अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज की रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के सामने रखता है ताकि उस पे डिस्कशन हो सके उसी तरह गवर्नर भी अलग-अलग बॉडीज -अलग जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट आते हैं उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट कौन करता है गवर्नर करता है उसके बाद देखते हैं गवर्नर की फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल पावर्स में में ही सीज दैट द एनुअल स्टेट स्टेटमेंट ये ध्यान रखिएगा जो स्टेट का बजट होता है उसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द मेंशन नहीं किया गया है बजट को क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गवर्नर जो है ही सीज दैट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ले करता है और गवर्नर मनी बिल जो होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मनी बिल होता है वो तभी हाउस में आ सकता है जब गवर्नर ने रिकमेंड किया हो नो डिमांड फॉर ग्रांट डिमांड फॉर ग्रांट वाला अगला होता है नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन he can make advances out of the contingency sorry yahi point hai out of the contingency fund of the state to meet any uh, unforeseen expenditure contingency fund hota hai kuch emergency fund hota hai ek type ka और वो अक्सर president या governor के under में रहता है वही decision ले सकते हैं कब इससे expenditure होना है

जुडिशियल पावर्स में क्या क्या होते हैं? गवर्नर जो है पार्डन दे सकता है रिप्राइव दे सकता है रिस्पाइट दे सकता है रेमिशन दे सकता है और सस्पेंड रेमिट या कम्यूट सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर इन विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड ठीक है ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाई अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट

गवर्नर करता है उनके प्रमोशन या ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो तो कौन करता है गवर्नर करता है लेकिन किसके रिकमेंडेशन या फिर किसके कंसल्टेशन के बाद स्टेट हाई कोर्ट के He also appoints person to the judicial service of the state other than the district judge in consultation with the state high court and state public service commission. अब देखते हैं हम लोग क्या क्या गवर्नर की वीटो पावर्स होती हैं वीटो पावर बेसिकली क्या होती है जब भी कोई bill pass होता है दोनों houses से जब पास होता है तो उसके बाद आता है प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इनके पास अथॉरिटी होती है कि उसी उसी बिल को वहीं पे पे आगे बढ़ा दें या मोमेंट पे वहां पे रोक दें या फिर वीटो पावर यूज करके उसे वहीं पे टर्मिनेट कर दें तो क्या क्या तरीके की गवर्नर की वीटो पावर होती है दो तरीके की होती है एक तो होती है आपके ऑर्डिनरी बिल के लिए दूसरी होती है आपकी मनी बिल के लिए तो जब भी कोई बिल आता है गवर्नर के पास तो उसके पास इतने ऑप्शन होते हैं एक तो वो असेंट दे सकता है साइन कर सकता है और बोल सकता है कि ये बिल अब एक्ट बन चुका है दूसरा होता है आपका अबसलूट वीटो एब्सोलूट वीटो मतलब अपना जो असेंट है वो विदहोल्ड कर ले अपना सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर करने से होल्ड कर ले और कहे कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा और वो बिल जो है वापस एक टाइप से एक्ट नहीं बनता है क्योंकि साइन उस पर नहीं होता है उसके बाद है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब गवर्नर ने वो बिल पढ़ा देखा कि इसमें कुछ कुछ और चेंजेस हो सकते हैं सुधार हो सकते हैं ये हाउस को विधानसभा को वापस भेज दिया कुछ सजेशन के साथ कि इसमें ये अमेंडमेंट करें। अब विधानसभा की मर्जी होती कि वो उसमें अमेंडमेंट करें या ना करें ले और फिर से गवर्नर को भेज दे रिकन्सिडर कर आ, असेंट देने के लिए उसके बाद होता है पॉकेट वीटो पॉकेट वीटो वो होता है कि गवर्नर जो है वो बिल लेके बैठा रहे ना ही साइन करें ना ही विदहोल्ड करें और गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं होती वो ये है कि गवर्नर जो चाहे कोई भी बिल प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे कि प्रेसिडेंट आगे देखे कि उस बिल में ऐसा कुछ और आगे क्या होना है क्या नहीं होना है तो बिल जो है एक बार रिजर्व हो जाता है प्रेसिडेंट को तो वो सीधे यूनियन गवर्नमेंट में पहुंच जाता है और उसे प्रेसिडेंट देखता है जब ऐसा होता है तो ध्यान में रखिए गवर्नर का फिर वहां से रोल पूरा समाप्त हो जाता है अब जो भी कम्युनिकेशन होता है प्रेसिडेंट का सीधे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होता है गवर्नर इसमें मैन नहीं बनता अब यहां पे प्रेसिडेंट के पास भी कुछ ऑप्शंस होते हैं या तो वो असेंट दे सकता है या तो विदहोल्ड uh, कर सकता है असेंट या तो वापस भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए अगर वापस स्टेट असेंबली को मिलता है रिकंसिडरेशन के लिए तो उसको छह महीने के अंदर अंदर वापस प्रेसिडेंट को दिखाना होता है और प्रेसिडेंट जो है जो सजेशन है रिकमेंडेशन है असेंबली के उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है ये ये चीजें हो गई आपके ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड अब बात आती है मनी बिल्स में क्या क्या होता है जैसे कि हम लोग प्रेसिडेंट का जानते हैं प्रेसिडेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं या तो वो साइन करें या तो उसको तुरंत रिजेक्ट करें वापस नहीं भेज सकता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रिकमेंडे करने के के लिए क्योंकि के ही रिकमेंडेशन से मनी बिल आता है उसी तरह गवर्नर के ही रिकमेंडेशन से क्योंकि मनी बिल आता है तो गवर्नर जो है उसे वापस नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए तो या तो गवर्नर उसे अप्रूव करेगा या तो उसे तुरंत खारिज कर देगा या तो मनी बिल भी प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन uh, के लिए रिजर्व कर देगा वो सीधे प्रेसिडेंट को भेज देगा अब जब प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है मनी बिल तो प्रेसिडेंट के पास भी सिर्फ यही दो ऑप्शन होते हैं मनी बिल से रिलेटेड या तो वो अप्रूव करें या तो वो विदहोल्ड करें रिटर्न नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जबकि ऑर्डनरी बिल uh, में रिटर्न हो जाता था उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है तो बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या होता है जब भी कोई भी कोई भी बिल पास करने के लिए कोई भी कानून लाने के लिए सबसे पहले बिल बनता है पहले एक हाउस में बिल बनता है उसकी रीडिंग होती है अप्रूवल होता है फिर दूसरे हाउस में जाता है वो बिल वहां पे रीडिंग होती है अप्रूवल होती है उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है या फिर गवर्नर के पास जाता है जो उस पे साइन असेंट देता है अब अलग अलग सेशन होते हैं जैसे विंटर सेशन हो गया बजट सेशन हो गया आपका मानसून सेशन हो गया जब हाउस बैठता है मान लीजिए हाउस नहीं बैठ रहा है और किसी कानून को पास करने की तुरंत जरूरत पड़ती है तब कैसे कानून पास होगा जब हाउस जो है सांसद जो है बैठा ही ना हो तब गवर्नर या प्रेस, प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है जब हाउस नहीं हो बिल पास नहीं हो सकता नॉर्मल तरीके से उस सिचुएशन में भी कानून जो है पास किए जा सकते हैं तो इस सिचुएशन में जहां पे सांसद जो है कोई बिल ना पास करके गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट बिल पास करें उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं जो गवर्नर का ऑर्डिनेंस का आर्टिकल होता है वो आता है आपका आर्टिकल टू वन थ्री में और प्रेसिडेंट का आता है आर्टिकल वन टू वन ट्वेंटी थ्री में तो कंडीशन क्या होती है ऑर्डिनेंस की ऑर्डिनेंस क्यों क्यों करा जाता है तो कब होता है ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ओनली व्हेनस गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट सरकमस्टेंसेस एग्जिस्ट जब तभी हो सकता है जब गवर्नर को लगे कि हाँ ऐसी सीरियस सिचुएशन है और किन-किन चीजों पे कानून बना सकता है गवर्नर सिर्फ उन्हीं चीजों पे बना सकता है जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशनड होती हैं और उसकी जो पावर होती है ऑर्डिनेंस बनाने की कानून बनाने की वो कोई भी ऐसा कानून बना सकता है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है जो वहाँ की विधानसभा होती है वो कानून बना सके वही कानून सारे गवर्नर भी बना सकता है और वही सारी पावर गवर्नर की भी होती हैं और जो उसका इफेक्ट होता है उसका भी सेम एक्ट जो ऑर्डिनेंस से बनता है उसका भी सेम इफेक्ट और सेम फोर्स होता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट का होता है और जो ऑर्डिनेंस होती है जब एक बार ऑर्डिनेंस uh, का जो एक्ट है वो जारी कर दिया जाता है गवर्नर के पास अपनी मर्जी होती है कि कभी भी उसको वापस बुला ले या फिर विद्रॉ कर ले उसके अलावा ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है डिस्क्रिशनरी पावर एग्जैक्टली नहीं होती जितने भी ऑर्डिनेंस होते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर को रिकमेंड करते हैं सजेस्ट करते हैं कि इस, इस वक्त ये ये एक्ट एक्ट जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से आना चाहिए गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं करते हैं ध्यान में रखिएगा जो भी ordinance बनता है भले ही वो गवर्नर लाए एक समय के बाद सांसद या फिर विधानसभा जो होता है उसके सामने पेश किया जाना पड़ता है ये कंपल्सरी होता है ताकि जो लोग हैं वो देख सकें कि ये जो कानून लाया गया है हमारे एबसेंस में वो मान्य है कि नहीं तो जो भी ऑर्डिनेंस होता है कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जो होता है, कानून जो गवर्नर लाता है प्रेसिडेंट होता है उसकी मान्यता सिर्फ छह महीने तक ही लागू रहती है सिक्स मंथ तक रहती है क्यों क्योंकि हर छह महीने में कंपलसरी होता है कि एक सेशन हो तो छह महीने में वो जो ऑर्डिनेंस है उसका रिव्यू जरूर होके ही रहेगा और छह महीने में जब भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी सेशन होता है तो उसमें उठाया जाता है ऑर्डिनेंस का जब मुद्दा तो देखा जाता है कि हाँ इसको ऑर्डिनेंस को यहीं खत्म किया जाए या फिर इसे और आगे के समय के लिए जारी किया जाए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा के पास छह हफ्तों का समय होता है ये रिव्यू करने का उसकी समीक्षा करने का फॉर अप्रूवल तो ऑर्डिनेंस अक्सर सवाल होता है ऑर्डिनेंस टोटल कितने समय तक लागू रह सकता है टोटल मिला के छह महीने और छह हफ्तों तक लागू हो सकता है और गवर्नर के पास यहां भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं कोई भी ऑर्डिनेंस जो है कई बार ऐसे ऑर्डिनेंस होते हैं जो कि गवर्नर जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के माध्यम से या प्रेसिडेंट के कहने से प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन से ही ला सकता है कौन कौन से आ, Uh, ऐसे ऑर्डिनेंस होते हैं कुछ ऐसे जो लॉज होते हैं फाइनेंशियल लॉज हो गए मान लीजिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं जिनको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिकमेंड कर सकता है अगर उन टॉपिक्स पे अगर उन चीजों पे अगर कानून बनाया जा रहा है या फिर गवर्नर ऑर्डिनेंस लाना चाह रहा है तो सिर्फ प्रेसिडेंट के ही इंस्ट्रक्शन से होगा या फिर अगर कोई भी ऑर्डिनेंस जो खुद पहले से ऊपर से प्रेसिडेंट कह दे कि ये मेरी कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखना चाहिए ऑर्डिनेंस वो ऑर्डिनेंस सिर्फ प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन से आ सकता है तो ये हो गया आपका पूरा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अब आती है आपकी पार्डन पावर होती है गवर्नर की आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट की भी काफी सारी पार्डनिंग पावर होती हैं, तो गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होती है कि कोई भी करके अगर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद भी चाहे, तो प्रेसिडेंट के पास पहुंच सकता है और प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर सकता है रिस्पाइट दे सकता है रिप्लाई दे सकता है रिमिट दे सकता है और सस्पेंड कर सकता है उसका सेंटेंस लेकिन जितने भी कोई भी सब्जेक्ट हो या जितना भी जिस बेसिस पे ये सब करेगा वो सिर्फ स्टेट लॉ के क्राइम्स होने चाहिए या फिर स्टेट लॉ के ऑफेंसेस होने चाहिए अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि यूनियन लॉ के अंतर्गत होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है गवर्नर जो है नहीं कर सकता अगर ऐसा कोई भी जुर्म होता है जो कि स्टेट लॉ के अंडर आता है उसी को ही प्रेसिडेंट कर सकता है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से एक और इसे हटके एक और डिफरेंस होता है गवर्नर का कि गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है अगर जब भी डेथ सेंटेंस वाली बात आती है तो वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाती है और पार्डनिंग पावर में गवर्नर के पास कोर्ट मार्शियल से संबंधित कोई पावर नहीं होती क्यों क्योंकि आर्मी पे गवर्नर का कोई कंट्रोल नहीं होता है जो प्रेसिडेंट होता है वही सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी का इसलिए प्रेसिडेंट के पास ही कोर्ट मार्शियल की पावर्स होते हैं अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है असल में पोजीशन क्या होती है गवर्नर की हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन से आर्टिकल्स में ये आर्टिकल है आर्टिकल 154 में वन है 163 में और 164 में ये आप ध्यान में रखिएगा ये गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो ये आर्टिकल्स क्या, क्या क्या कहते हैं एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्ट इन द गवर्नर एंड शेल बी एक्सरसाइज बाई हिम डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विदिट्यूशन तो आर्टिकल वन फिफ्टी फोर कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के अंडर में रहेगी और उसे वो यूज तभी कर सकता है जब उस डायरेक्टली uh, यूज कर सकता है या उसके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से कर सकता है देर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदीफ मिनिस्टर एज हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर एंड एक्सरसाइज ऑफ हिस्ट फ इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिस्सनिप्शन ये वाला आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल वन सिक्सटी थ्री से जो गवर्नर को प्रेसिडेंट से अलग करता है और ये आर्टिकल कहीं ना कहीं गवर्नर को प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर देता है क्या कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसके हेड होगा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है उनकी एड और एडवाइस में उनकी रिकमेंडेशन पे उनके कहने से काम करेगा लेकिन यहां पे गवर्नर जो है अपना डिस्क्रिशन भी यूज कर सकता है वहां पे प्रेसिडेंट जो है यूज नहीं कर सकता है यहां ध्यान में रखने वाली बात ही है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो डिस्क्रिशन शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के लिए आर्टिकल वन में दिया जाता है प्रेसिडेंट के लिए नहीं होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इट इज अ फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम तो ये हमने इस पॉइंट में पढ़ लिया था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इन तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद कहता है डिस्क्रीशन अपनी मर्जी या फिर अपना विवेक किन किन चीजों में गवर्नर खुद अपने तरीके से लगा सकता है वो क्या है रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कोई भी बिल जो है प्रेसिडेंट तक uh, रिजर्व करना है उसमें रिकमेंडेशन फॉर इंपोजिशन कहीं भी अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है अगर यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे क्या क्या काम किया जाना है वो अपने हिसाब से कर सकता है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नर ऑल्सो है कई सारा ऐसा डिस्क्रिशन होता ऐसी situation है ऐसी होती गवर्नर को एक्ट करना पड़ता है लेकिन वो वो में नहीं दिया होता। वो ऐसी कौन-कौन सी situation हो सकती हैं, पे गवर्नर अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर वेन नो पार्टी हैज क्लियर कट मेजोरिटी और वेन चीफ मिनिस्टर इन दाइजलीर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर जब भी स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं कोई पार्टी सिक्योर कर पा रही है कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है कॉन्फिडेंस एक्वायर नहीं कर पा रहा है या फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर की कि, किसी भी चीफ मिनिस्टर की एकदम से मृत्यु हो जाती है तब इस सिचुएशन में गवर्नर जो चाहता गवर्नर अपने हिसाब से आगे एक्शन

ये सारी चीज़ें थी हमारी गवर्नर से रिलेटेड गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड गवर्नर वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि पॉलिटी में अक्सर पॉलिटी के सवालों में आता है और ये आप ध्यान से देख लीजिए ये अक्सर एग्जाम में आते हैं मैच द फॉलोइंग में आते हैं आपको आर्टिकल दे दिया जाएगा और उसका सब्जेक्ट मैटर पूछा जाएगा तो ये सारे आर्टिकल्स की लिस्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव और गवर्नर की आप इसको एक बार पॉज करके आप एक बार देखिए उससे रिलेट करिए जो हमने अभी डिस्कस किया ये लिस्ट है इसके बाद ये लिस्ट है आर्टिकल्स की जो कि गवर्नर से रिलेटेड है ये आपको ध्यान में रखने हैं और इसके बाद आप एक बार ये वाली पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा ये पूरी लिस्ट है जिसमें अभी तक उत्तर प्रदेश में कौन कौन कब कब गवर्नर रह चुका है कब से कब तक गवर्नर रह चुका है इसकी लिस्ट है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन था या फिर इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जा चुके हैं एग्जाम में तो ये ये सारे इंफॉर्मेशन आपको बहुत जानना जरूरी है आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आई होप कि आपने पेन पेपर लेके आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हो आपको अगर रिवीजन भी करना है तो भी आप इस वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं और आई होप आपको ये वीडियो देख के काफी हेल्प मिली होगी एंड अगर आपको कोई इशू है या कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं उसका आपको उत्तर मिल जाएगा थैंक यू